गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 17 पानी की आत्मकथा हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। पानी की आत्मकथा पहला है, मौखिक उत्तर दीजिए। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। सेकेंड क्वेश्चन है, चारों तरफ पानी से घिरे स्थान को क्या कहते हैं? चारों तरफ पानी से घिरे स्थान को द्वीप कहा जाता है। वाराणसी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? वाराणसी नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर किसे कहते हैं? नदी या समुद्र के अंदर गोता लगाकर किसी चीज की तलाश करने वालों को गोताखोर कहा जाता है। नदी या समुद्र के अंदर गोता लगाकर किसी चीज की तलाश करने वालों को गोताखोर कहा जाता है। ये आपका मौखिक उत्तर था। पहला था माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, द्वीप गंगा नदी, नदी या समुद्र के अंदर गोता लगाकर किसी चीज की तलाश करने वालों को गोताखोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले को प्रत्यय कहते हैं। एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। पहला है स्वाभाविक, खा का पहला है स्वाभाविक। दूसरा हम बताएंगे व्यवहारिक, तीसरा है रासायनिक, चौथा है प्राकृतिक, पांचवा है व्यावसायिक। समझिए और
लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए और लिखिए। पहला है अनधन उपयोग अनुपयोग, दूसरा है अनधन आवश्यक अनावश्यक अनावश्यक, फिर तीसरा है अनधन उत्पादन अनुत्पादन अनुत्पादन, फिर चौथा है अनधन एक अनेक, पांचवा है अनधन इच्छा अनिच्छा अनिच्छा, अनधन इच्छा अनिच्छा, फिर है मेल कीजिए मेल कीजिए, पानी पानी होना लज्जित होना, पानी पानी होना मतलब होगा लज्जित होना। पहला है लज्जित होना, पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। दूसरा है मुंह में पानी आना लालच, थर्ड है पानी उतरना बेइज्जत होना, बेइज्जत होना, फिर चौथा है पानी भरना तंग करना, तंग करना, पांचवा है पानी फिरना व्यर्थ जाना, व्यर्थ जाना। पानी फिरना व्यर्थ जाना। नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द लिखिए, विपरीतार्थक शब्द लिखिए। पहला है शुद्ध अशुद्ध, सूक्ष्म विशाल, सूक्ष्म विशाल, व्यापक संकुचित, फिर ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी, दुख सुख, दुख सुख। ये आपका है विपरीतार्थक शब्द लिखिए, अशुद्ध विशाल संकुचित अज्ञानी सुख। इसको आप हिंदी से हिंदी सेकंड की कॉपी में लिख लेंगे इतना। और उसके बाद नेक्स्ट है विशेषण छाट कर लिखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हम आपको कल के एक्सरसाइज में बताएंगे, आज आप यहाँ तक मौखिक उत्तर दीजिए, इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। और बाकी खा गा और घा इसको आप बुक में भर लेंगे। विपरीतार्थक शब्द भी आप बुक में ही करेंगे, इसको कॉपी में नहीं लिखना है। उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आप कॉपी में लिखेंगे।